आज पिहोवा के कुरुक्षेत्र रोड पर 152 डी को लेकर पांचवें दिन भी हड़ताल जारी रही। 152 डी के तहत जिन किसानों की जमीन सरकार हाईवे बनाने के लिए स्क्वायर कर रही है, उन किसानों का कहना है कि उनको जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। किसान आज पांचवें दिन भी धरने पर डटे रहे और सरकार से पुरजोर मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनकी जमीन का कम से कम 1 एकड़ 2 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। धरने के संयोजक एडवोकेट गहन सिंह का कहना है कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और उन्हें उचित मुआवजा नहीं दे रही। सर आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं गहन सिंह संधु संयोजक हूँ इस धरने का, जो फिरोजपुरा में पेवा तहसील के अंदर रखा हुआ है। हमें ये है कि हम सब जो है इस इलाके के जिमीदार हैं और हमारी जो जिमीदारों की जमीन है वो 152 डी नेशनल हाईवे के एक्ट के तहत अक्वायर की जा रही है। हमारा मेन जो गिला है सरकार से कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने किसानों के साथ बैठक करके ये तय किया था कि हम जो इनके पहले अवार्ड पास किए वो गलत कर बैठे हैं, उनको रिवाइज करेंगे और उनको रिवाइज करके सही मुआवजा आप लोगों को देंगे। लेकिन सरकार ने किसानों को बांटने की नीयत से, आपस में बांटने की नीयत से कुछ चरखी दादरी जिला जींद के किसानों के तो अवार्ड कुछ हद तक रिवाइज कर दिए, लेकिन हमारे जिले कुरुक्षेत्र के अवार्ड आज तक रिवाइज नहीं करे। हमारी यही मांग है कि जिला कुरुक्षेत्र करनाल और कैथल के अवार्ड भी रिवाइज करके इनको जो है कानून के मुताबिक मुआवजा दिया जाए, जो कि हमारा 2 करोड़ रुपए से ऊपर पर एकड़ का बनता है।